मूवमेंट ऑफ इंडिया चल रही है शिक्षा में चुनौतियां, टॉपिक चल रहा है निजीकरण, और निजीकरण के दौरान हम आज सब टॉपिक पढ़ेंगे शिक्षा में निजीकरण के अभिप्रेरक या निहितार्थ। शिक्षा में निजीकरण का जो निहितार्थ है, महत्व है, अर्थ है, वो किस प्रकार से छुपा हुआ है, ये पढ़ेंगे। ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसकी शिक्षा में निजीकरण के अभिप्रेरक या निहितार्थ की जो प्रस्तावना है वो देखिएगा कि निजीकरण के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में एवं शिक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि है। बिल्कुल, कि निजीकरण के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में और शिक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई। कैसे हुई? कि जब कोई संस्था, उद्योग या संगठन सरकार सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है या सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया जाता है, उस वक्त निजीकरण की जो स्थिति होती है, निजी हाथों में जब कोई संस्था या संगठन जाता है तो उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है, उस संगठन या संस्था की गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। तो निजीकरण के माध्यम से जो शिक्षा की गुणवत्ता थी, उस शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई और शिक्षार्थियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। शिक्षा की क्वालिटी में जब वृद्धि हुई तो क्वालिटी में जब वृद्धि हुई तो उसको देखकर समाज के लोग उस संस्था की तरफ आकर्षित हुए। इस प्रकार गुणवत्ता एवं शिक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई। निजी विद्यालय शिक्षा के विकास के लिए अत्यधिक धन खर्च करते हैं। बिल्कुल, कि निजी विद्यालय होते हैं वो शिक्षा को नए नए तरीके से विकसित करना चाहते हैं और नए नए तरीके से विकसित करने के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है, जिससे शैक्षिक व्यवसाय में अनेक प्रकार की सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई। जिससे क्या हुआ कि शिक्षा के व्यवसाय में यानी शैक्षिक व्यवसाय में शैक्षिक क्षेत्रों में शिक्षा के जितने भी संगठन थे, संस्था थी, उनमें अनेक प्रकार की सुविधाओं में वृद्धि हुई। फर्नीचर की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा, तो इस प्रकार की सुविधाओं की वृद्धि हुई। अर्थात निजीकरण ने शिक्षा प्रक्रिया को उन्नत बनाने में पर्याप्त सहायता दी, यानी कि निजीकरण के माध्यम से जो शिक्षा की प्रक्रिया थी वो उन्नतिशील प्रगति के स्तर पर बढ़ी। बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए एवं उन्हें शिक्षा के प्रति आकर्षित करने में निजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए, यानी कि छात्र अपने अधिकारों के प्रति सजग हो, जागरूक हो, और साथ में उन्हें शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए और उन छात्रों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए, शिक्षा के प्रति उनका रुझान बढ़ाने के लिए, शिक्षा के प्रति उनकी रुचि जागृत करने के लिए निजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है, निजीकरण की प्रक्रिया ने शिक्षा को दूर दराज के क्षेत्रों तक फैला दिया है। निजीकरण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने शिक्षा को दूर दराज के क्षेत्र में फैला दिया। बिल्कुल सही, कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो शिक्षा होती है वो एक किसी विशेष स्थान पर ही होती है या 2 या 3 किलोमीटर के दायरे में ये होती है, लेकिन निजीकरण की प्रक्रिया ऐसी है जो दूर दराज के जो गांव हैं उनमें भी अपने शिक्षा के क्षेत्रों को उन्होंने निजीकरण ने फैला दिया। यानी कि निजीकरण के माध्यम से जो दूर दराज के क्षेत्र थे वहाँ तक भी शिक्षा का प्रचार प्रसार बोलबाला होने लगा। जहाँ कोई विद्यालय नहीं थे वहाँ अब निजी शिक्षण संस्थाएं सुचारू रूप से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को संचालित कर रही थी। यानी कि जहाँ पर कोई विद्यालय नहीं थे, जहाँ पर बालकों को विद्यालय के नाम पर 2 या 3 कोस पैदल जाकर आना पड़ता था, वहाँ अब निजी शिक्षण संस्थानों ने यानी कि निजी शिक्षण संस्थान सुचारू रूप से संचालित हुए और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया थी, शिक्षण को व्यवहार में लाने की जो प्रक्रिया थी उसको संचालित होना शुरू हुआ। इस प्रकार शिक्षा के निजीकरण ने शिक्षा व्यवस्था को प्रगतिशील दिशा दी। यानी कि इस प्रकार निजीकरण की व्यवस्था ने शिक्षा को प्रगतिशील दिशा तो दी, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी प्रकट हुए। यानी कि शिक्षा के निजीकरण में और शिक्षा व्यवस्था को प्रगतिशील दिशा में तो बढ़ाया, यानी कि निजीकरण के माध्यम से शिक्षा का जो क्रेज था, शिक्षा का जो क्षेत्र था वो फैला और प्रचार प्रसार तो हुआ, लेकिन फिर भी प्रगतिशील दिशा में बढ़ने के बाद भी उसमें कुछ नकारात्मक प्रभाव भी प्रकट होते हैं। निजीकरण की इस प्रक्रिया में धन की अत्यधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि निजीकरण की प्रक्रिया में धन को अधिक महत्व दिया जाता है, और धन को अधिक महत्व देने के कारण जो गरीब तबके के बालक बालिकाएँ वो उसको प्राप्त नहीं कर पाते थे, जिससे छात्रों की शिक्षा पर ध्यान देना कठिन हो जाता था। बिल्कुल, यानी कि छात्रों की शिक्षा पर ध्यान देना कठिन कार्य हो जाता। इन संस्थाओं के प्रमुख ने सरकारी विद्यालयों के महत्व को कम किया। यानी कि निजीकरण की जो संस्थाएं थी उन निजीकरण की संस्थाओं के प्रभुत्व ने अपनी प्रभुसत्ता जमा दी, अपने प्रभुत्व ने सरकारी विद्यालयों का जो महत्व था उसको कम कर दिया। क्योंकि निजीकरण की जो संस्था थी वो गुणवत्तापूर्ण थी, अत्यधिक
विद्यालयों की संख्या में वृद्धि, निजीकरण के माध्यम से विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। निजीकरण के द्वारा प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर तक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई, यानी प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में वृद्धि हुई। किस प्रकार से? निजीकरण के माध्यम से, यानी कि हर गांव, हर प्रत्येक गांव या ढाणी या कस्बे में निजीकरण के माध्यम से विद्यालय की स्थापना हुई। और निजीकरण के माध्यम से जब विद्यालय की स्थापना हुई तो वहाँ पर प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। साथ में ये जिससे सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के अनेक अवसर सरल रूप से प्राप्त हो रहे थे, यानी कि इससे ये हुआ कि छात्रों को सुविधा हुई और अभिभावकों को भी सुविधा हुई और छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के सरल अवसर प्राप्त हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो चुकी थी और दूर दराज के क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पढ़ने के लिए उनको पैदल जाना आना नहीं पड़ता था। इस कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति में जो निजीकरण की शिक्षा का जो सकारात्मक पक्ष है वो ये है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति, निजीकरण के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में अधिक धन का निवेश किया जा रहा था, यानी कि निजीकरण के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक धन का निवेश किया जा रहा था, अत्यधिक धन लगाया जा रहा था, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति हो रही, यानी कि जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो और जिससे सभी विद्यालय उच्च सुविधायुक्त बन रहे थे। कहने का मतलब ये था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति। तो निजीकरण के माध्यम से जो शिक्षा का क्षेत्र था उसमें अत्यधिक धन लगाया जा रहा था, अत्यधिक धन का निवेश किया जा रहा था, यानी कि किसी संस्था में उसको क्वालिटी प्रदर्शित करने के लिए, क्वालिटी बताने के लिए उसमें अत्यधिक धन निवेश किया जा रहा था, अत्यधिक धन उसमें लगाया जा रहा था और अत्यधिक लगाने के कारण जो शिक्षा की गुणवत्ता थी वो शिक्षा की गुणवत्ता छात्रों को प्राप्त हो रही थी। साथ में सभी विद्यालय उच्च सुविधा युक्त हो रहे थे। कौन से विद्यालय? निजीकरण वाले विद्यालय। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने से तात्पर्य है कि शिक्षा के निजीकरण से शिक्षा के सार्वजनिकरण की भावना को बल मिला, यानी कि शिक्षा के निजीकरण से ही शिक्षा के सार्वजनिकरण की भावना को बल मिला। कैसे? क्योंकि प्रत्येक योग्य व्यक्ति अपना निजी विद्यालय खोलता है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपना निजी विद्यालय खोलकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ूं, तो वह समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करता है, यानी कि शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना प्रत्येक व्यक्ति ये